अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में मंगलवार सुबह 3 जबरदस्त धमाके हुए। ये धमाके अलग अलग जगहों पर हुए लेकिन एक के बाद एक हुए। धमाकों में लगभग अब तक 20 लोगों की मौत की खबर है। इसके अलावा इसमें कई लोग घायल भी हुए हैं। इस घटना के बाद से काबुल में हड़कंप सा मच गया है। सुरक्षा एजेंसियां इन धमाकों की जांच में जुट गई हैं। अफगानिस्तान के एक निजी न्यूज चैनल के मुताबिक तीनों धमाके पश्चिमी काबुल में हुए हैं। चश्मदीदों ने यह बताया है कि पहला धमाका एक ट्रेनिंग सेंटर के पास जबकि दूसरा धमाका अब्दुल रहीम शहीद हाई स्कूल के सामने हुआ है। यह धमाका उस वक्त हुआ है जब स्कूली बच्चे अपनी क्लास के लिए जा रहे थे। बताया जा रहा है कि पहला धमाका मुमताज़ नाम के ट्रेनिंग सेंटर के पास हुआ है। यह धमाका हैंड ग्रेनेड से किया गया है। धमाके में कम से कम 20 लोग मारे गए हैं। आंतरिक मंत्रालय ने अब्दुल रहीम शहीद हाई स्कूल के पास विस्फोट की पुष्टि की है। मंत्रालय का यह कहना है कि घटना की जांच शुरू कर दी गई है। अभी तक हमले की जिम्मेदारी किसी भी संगठन ने नहीं ली है। पूरे इलाके को फिलहाल जांच के लिए सील कर दिया गया है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि इससे पहले इसी महीने की शुरुआत में काबुल में बम धमाका हुआ था। यह धमाका काबुल के मनी एक्सचेंज मार्केट में हुआ था। इस हमले में 2 मनी एक्सचेंजर्स भी घायल हुए थे। ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए पंजाब केसरी.com के साथ।